गुड मॉर्निंग फ्रेंड। अब भी भाई सुबह हो चुकी है और सबसे गंदा वाला काम यह है फ्रेंड कि मैं अब 2 दिन से नहीं नहाया हूँ। इतनी बड़ी ठंडी हो रही है 2 दिन से ना भाई, ठंड ज़्यादा हो रही है। और काम ऐसा है ना फ्रेंड कि जैसे मैं उठता हूँ ना, ऐसे सुबह सुबह मेरे को इतना ज़्यादा देर होने लगती है, क्या बताओ। फिर वैसे भी फ्रेंड ऐसा कोई गंदा काम मैं करता नहीं हूँ तो कि जिसकी वजह से मुझे भी नहाना बहुत ही ज़रूरी हो, क्योंकि यहाँ पे भी इतना गंदा काम नहीं होता है। और आप चेहरे पे मेरे देख ही सकते हैं, आपको लग रहा होगा कि यार भाई थोड़ा सा अजीब टाइप का लग रहा होगा। तो फ्रेंड्स ये था, और फ्रेंड्स आप लोगों ने कल का ब्लॉग देखा है अगर तो फिर कमेंट करना मत भूलिएगा कि आपको जो है वो ब्लॉग मेरा कैसा लगा है, क्योंकि मैंने तो अपने हिसाब से बहुत ही बेटर बनाने की कोशिश की थी। और होप कि यार आपको भी ब्लॉग मेरे अच्छे लगेंगे और आप शेयर करते होंगे। और यहाँ का माहौल देख सकते हैं आप, हाँ भाई सन इतना ज़्यादा अच्छा नहीं निकला है क्योंकि हमें लग रहा है आज बारिश का मौसम है, और बारिश होगी तो फिर अच्छा ही होगा। तो भाई बारिश अच्छा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे बो रखे हैं सरसों। अब सरसों बो रखे हैं, पानी अगर पड़ेगा तो फिर फ़ायदा ही मेरा ही होने वाला है। और एक हिसाब से अब देख सकते हैं अभी हमारे यहाँ पे ना भाई साफ़ सफाई चल रही है। कुछ लोग देख रहे हैं गत्ते जो है ना उन्हें देख रहे हैं, उन्हें निकाल के अब ये बिकते भी हैं फ्रेंड्स। तो ये सीन है भाई हमारा। और फ्रेंड्स यार ऐसा कौन करता है ठंडी में। मैं तो भाई 2 दिन हो चुके हैं आज, कल भी नहीं नहाया था, आज भी नहीं नहाया हूँ, परसों नहाया था मैंने, तो आज मैं नहाऊंगा जाके दोपहर में। क्योंकि फ्रेंड्स यार मैं चाहता हूँ नहा लूँ ना, बट नींद मेरे को ना सबसे ज़्यादा गंदी वाली आदत मेरी ये पड़ गई है कि मेरे को ना नींद बहुत ज़्यादा लगती है। और मैं जब शाम में सोता नहीं हूँ और सुबह में लेट उठता हूँ, यही सीन है यार। बाकी ब्लॉग पे आप इन्जॉय करते रहिएगा और मैं अभी आपसे मिलूँगा फिर थोड़ी देर बाद। और हमारे कुछ फ्रेंड्स, आप फ्रेंड हैं वो डॉग से इस वाली गाड़ी के पीछे से आप देख सकते हैं, वहाँ से देख कर हाँथ रहे हैं कि मैं वीडियो बना रहा हूँ। और एक निकल आया है, वैसे अपना काम है फ्रेंड की वीडियो बना के आपको कंटिन्यू देना और मैं आपको देता रहूँगा। बाकी आप वीडियो भी हमारे इन्जॉय करते रहिएगा, मैं आपसे मिलता हूँ फिर थोड़ी देर में। फ्रेंड अभी भाई टाइम हो रहा है ना, बज रहा है 10:30 और हम बाहर क्यों आपको दिख रहे हैं वो रीज़न है भाई, एक ये पेन है फ्रेंड। सिर्फ इसकी वजह से हम बाहर हैं। बाहर इसलिए हैं क्योंकि ये जो था मेरे पास भाई ना वो हो चुका था ख़त्म, इसकी इंक जो होती है ना फ्रेंड वो हो गई थी ख़त्म। तो हम आए हैं पेन को ना बाहर लेने, अब इसको लेकर जाएंगे, फिर इसके माध्यम से अपना अंदर जो भी होगा वो सारा कार्यक्रम होगा। और ये अपना होटल है और इस साइड में अपने खेत हैं और वो टेबल वेबल है जो अपना ही है। तो बाकी फ्रेंड्स आप ब्लॉग पे इंजॉय करते रहिएगा और अभी हम आपको दिखाते हैं। वैसे अभी मेरा लंच नहीं हुआ है, लंच जब होगा तब आपको फिर लंच का सीन जो है ना वो फ्रेंड देखने को मिलेगा। अभी तो मैं चलता हूँ पहले जल्दी अपने कंपनी में, जो काम है वो करने हैं। बाकी आप वीडियो पर इंजॉय करते रहिएगा फ्रेंड। अब भी भाई जो है ना वो फाइनली हुआ है अपना लंच, और लंच के अकॉर्डिंग अब मेरे को चलना पड़ेगा घर, क्योंकि यहाँ पर आना जाना लगा ही रहता है। एक बार सुबह गया था, शाम में जा रहा हूँ। और फ्रेंड्स अब ना फिर सीधा, तो आज नाइट का ही ब्लॉग होगा जो भी दिखने को आपको मिलेगा, क्योंकि भाई ना आज मैं थोड़ा सा लेट में आया था, वैसे आपने सुबह देखा ही है। तो अब चलते हैं, अब बज रहा है अराउंड मेरे हिसाब से 1:30 और अब मैं आऊँगा वही 2:30 बजे, 1 घंटे का लंच मिलता है। तो फिर लंच वंच करके फिर मैं आपसे मिलता हूँ फ्रेंड। तो फ्रेंड तब भी ना, तो भाई मैं तो ना घर पे आ चुका हूँ और इन पप्पियों को आप देख सकते हो, ये देखो भाई सारे के सारे आने वाले, ये देखो मेरे पास आ गए, देख रहे फ्रेंड। ये भाई इनका एक लगाव है फ्रेंड्स, वैसे इनको मेरे से मिलना कुछ नहीं है क्योंकि ये तो अभी दूध पीते हैं, बट यार ये ना बहुत बड़े वाले हैं, ये थोड़ा सा भी ये सूंघ लेते हैं फ्रेंड्स, मैं आऊँगा तो नहीं भूखेंगे ये। अगर कोई छोटा बच्चा और कोई पर्सन आता है ना तो फिर भूखने लगते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ बैक कैमरे से इनका व्यू। क्यों देखो तीन हैं और एक फ्रेंड्स ये ना भाई मेरे पास आ गया है, अभी देखो जा रहा है उधर आ रहा है, ये देखो इधर खड़े हो जाओ, तुम लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, उधर ही चलो, चलो उधर चलो, चल
और फ्रेंड्स ये भाई बहुत बड़े वाले हरामखोर भी हैं, एक जगह पे रुकने को है नहीं इनको, भगते रहते हैं। इनकी माता जी भाई देखो, और भाई ये बच्चिया है मेरी और एक भैंस है। फ्रेंड्स यार ये अमरूद का पेड़ ना हम लोगों ने बड़ा करने के लिए इसकी छटाई कर दी है। वैसे ये बहुत छोटा था, अभी 1 साल में बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो गया फ्रेंड्स। बाकी आप वीडियो पे एंजॉय करते रहिएगा हमारे। और एक गाय है यार, वो फ्रेंड मेरे खेत में अक्सर चरा करती है, और ये क्या बताएं हमारे गांव की है वो। अब देख लो 2 गाय जा रही हैं फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स अभी भाई ना रिसु लोगों को आप देख रहे हैं पतंग उड़ा रहे हैं, और बिन हवा के पतंग उड़ा रहे हैं, जो कि ये उड़ने को तो है नहीं, क्योंकि भाई जब तक हवा नहीं आएगी तब तक पतंग जो है ना भाई अपना रुख नहीं दिखाएगी, वो कोई एक मोड़ लेगी नहीं, क्योंकि वो हवा के सारे चलनी है। और यहाँ पे हैं 2 बर्तन भाई, और रिसु हमारा देख रहे हो कैसे भाई पतंग उड़ा रहा है। बैक कैमरे से दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो भाई इनकी भाई पतंग देखो, ये हवा नहीं चल रही तो उड़ा क्यों ऐसे रहे हो, उड़ा लोगे? ये धागा मेरा है क्या? किसका धागा है? और कैसे ज्यादा था मेरा। और ये मंदिर भाई बहुत ही पुराना है फ्रेंड, और अभी ये टूटने भी लगा, आप देख रहे हैं ऊपर की साइड में ये सब टूटने लगा है, रिसु लोग तोड़ते हैं इसको। तुम नहीं तोड़ते हो? नहीं हम नहीं, हल्लम करते हो। हाँ हल्लन तोड़ता है। और कुछ कुछ गिरा देता है, देखो यहाँ पे मिट्टी फोड़ता है। अच्छा तो फ्रेंड्स यार ये कुछ सीन है। किधर? उधर खेत साइड आओ। और फ्रेंड्स से भाई ये देखो हमारे ऊपर पतंग ही उड़ा रहे हैं, इनकी ये पतंग है। देखो यार तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो हमारे वीडियो में? कहाँ? यहीं से उड़ा हुए भाई इनकी पतंग, आप देख रहे हैं भाई ये हवा नहीं चल रही, उड़ेगी नहीं यार। हाँ बिना हवा के कहाँ उड़ेगी पतंग? हाँ चल रही है, कहाँ चल रही है? ये देखो जब हवा ज्यादा चलती है तभी उड़ती है। फ्रेंड्स आपको क्या लगता है इनकी पतंग उड़ेगी? उड़ेगी तो कमेंट करना प्लीज फ्रेंड्स, क्या आपको लगता है बिना हवा के पतंग उड़ सकती है, पॉसिबल है क्या? करना ये देखो भाई इनका करना बांधा गया, क्या लगता है सही है? हाँ सही है। एक मिनट मैं इनका करना देखता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपसे बातें करता हूँ फ्रेंड। सो भाई इनका करना जो है ना रिसु दे नहीं रहा है, क्योंकि रिसु डरता है हल्लन से। हाँ अंश नाम है तुम्हारा। हाँ तो वो तो बात है, जब तक पतंग फंसेगी तब तक मजा आने का नहीं। हाँ फिर वीडियो बना ली ना, फिर ही तभी से पतंग। दे दो जाके, एक बार जाओ दे दो जाके आराम से। तुम बिना उड़ैया के उड़ा लेते हो? बस बस ज्यादा मत जाओ। ओ भाई पतंग तो भाई गई अपने मोड़ पे। तो फ्रेंड्स यार अब भी ना पतंग वतंग तो मैं तो उड़ाता नहीं हूँ ऐसे ज्यादा। और यार यहाँ पे खेत में पानी लगा रखा है मैंने, यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ कुछ ना कुछ इसमें बो दिया जाए। वैसे अगर खेत ऐसे पड़ा रहेगा ना तो फिर लॉस ही है अपना। और बाकी फ्रेंड्स आप लोगों से मेरी एक ही उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में प्लीज़ यार शेयर करा करो, जो भी आपके रिलेटिव लगे। और अगर आप मेरे को पसंद करते हो या मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हैं तो शेयर, मैं इसीलिए बोलता हूँ जितना शेयर आप करोगे उतना ज़्यादा यूट्यूब का इम्प्रेशन मिलता है, और इम्प्रेशन मिलने से हमें ये बेनिफिट होता है कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखते हैं। अब 100 लोगों के पास जाएगी तो उसमें से 20-25 लोग तो देख ही लेंगे, वैसे इम्प्रेशन मेरा आ जाता है, बट इतना भी ज़्यादा नहीं आता जितना हमें चाहिए, उस प्रकार से नहीं आता है इम्प्रेशन।
तो बाकी फ्रेंड्स अभी मैं आपको चलता हूँ, थोड़ा सा देखता हूँ दुकान पे बिटिया है, अगर उस मिलती है तो आपको दिखाऊंगा। बाकी शाम तक की जो भी होता है वो हम आपके साथ शेयर करते हैं हर रोज की डेट में। तो बाकी मिलते हैं आपसे फिर। तुम हमें 2-3 दिन से दिख नहीं रही थी, 2-3 दिन से दिखी क्यों नहीं? स्कूल जाते हैं ना। स्कूल जाते हो? तो हाँ देखो भाई बिटिया, ये पिल्ले अब तुमसे डरते नहीं हैं। तुमको कौन वाला इसमें पसंद है? ये मुझको चाड़ा है चाड़ा तुमको बिटिया सबसे ज्यादा कौन सा अच्छा लगता है? काला वाला अच्छा लगता है। तो भाई बिटिया हमारी जो है ना भाई, इन पिल्लों को जब छोटे छोटे थे तब खिलाती थे, और वैसे भी ये बहुत क्यूट अभी लगते हैं बचपन में। अबे कहाँ बिटिया इसका क्या नाम रखोगे तुम? डॉली नाम रखोगे इसका? नाम रखूंगी डॉली वैसे अच्छा नाम लग रहा है बिटिया। किट्टू? किट्टू। अच्छा, अबे मेरे पास ये भी आया है, ये भी तुमसे दोस्ती करना चाहता है। वही भी तुम्हारे पास जा रहा है। देखो अरे डॉगी बिटिया से भाई कितना प्यार करता है डॉगी। ये देखो कैसे खेल रहा है बिटिया, और ये वाला भी आ रहा है। ये देखो, ये देखो। हो चुका है, मैं आ चुका हूँ घर से। और जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे एक घनिष्ठ मित्र हैं, और इस एफसी में इन्हीं से मेरी मुलाकात हुई से शुरुआत में। तो अभी भाई यहाँ पे बहुत ज्यादा रील बनी 2-3 दिन से, सैनी भाई, रवि भाई, और इधर आप देख सकते हैं अभिनंदर भाई, इनकी आजकल बहुत ज्यादा रीलें बन रही हैं। तो यार आप लोग कुछ कहना चाहते हो, हमारी ऑडियंस जो आप लोगों को देख रही है और देखेगी अभी इस ब्लॉग में, कुछ कहना चाहते हो? ऑडियंस से हमारा बस यही अनुरोध है, लाइक करें, फॉलो करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ तक हो सके हमारी वीडियो को देखें। यस। सो गाइज, यार जैसे हमारे भाई लोग यार सपोर्ट कर रहे हैं, वैसे अगर आप लोग करोगे ना फ्रेंड, तो यार दिल से हम आप लोगों को दुआएं देंगे यार। और हमें क्या चाहिए, बस आप लोगों का प्यार चाहिए। क्यों भाई रवि? बहुत ज़रूरी है जितना दर्शकों का ज्यादा प्यार, बहुत ज़रूरी है दर्शकों का हमें प्यार जो चाहिए भाई, वो हर एक यूट्यूबर, हर एक क्रिएटर को चाहिए, जो कि उसे चाहिए क्या, पब्लिक का प्यार। और ये हमारे शुभम भाई, और जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे घनिष्ठ मित्र बहुत ही पुराने वाले दोस्त हैं, और आपने इनको हमारे बहुत से वीडियोस में देखा है, कॉलेज वाले जब कॉलेज में पेपर देने जा रहे थे तब भी ये थे और अब भी हैं। तो अभी भाई ना फ्रेंड्स, अभी हो चुकी है शाम, और अब यार अपने को निकलना पड़ेगा घर। तो वैसे उसकी वॉइस ज़्यादा आ रही होगी यार, मैं इस तरफ आपको बताता हूँ फ्रेंड। अभी टाइम ये हुआ फ्रेंड्स कि यहाँ पर कुछ लड़के, जैसा कि आप देख रहे हो वहाँ पर लड़के खड़े हैं, इनको अभी जाने को भी नहीं मिल रहा, क्योंकि इनकी शिफ्ट अभी ना भाई हो चुकी है। इन्हें कहने का मतलब है मेरे 9 घंटे हो गए, तो मुझे जाना दिया जाए, और यहाँ पर काम ज़्यादा है फ्रेंड, तो इसलिए रोका जा रहा है। बाकी फ्रेंड्स अब मैं निकलता हूँ घर के लिए अपने, और फिर मैं आपको शाम को घर पे चल के मिलता हूँ, क्योंकि अब मेरे को टाइम नहीं मिलेगा, और ब्लॉग मेरा कितना हुआ है पता नहीं मुझे। बाकी आप वीडियो पे एंजॉय करते रहिए आप। सो फ्रेंड्स, भाई हो चुकी है अभी यार रात, और अब भाई सोने का टाइम हो रहा है। तो होप यार आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ गाइज अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, टेक केयर, और जय हिंद जय भारत।